नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आइए देखते हैं गुना से नरेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद जिला गुना ने सौंपा ज्ञापन। गुना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जिलाधीश महोदय एवं पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। विश्व हिंदू परिषद सुरेश शर्मा विभाग मंत्री ने बताया कि गुना जिले में गाय माता की गाड़ी भरकर रोज जा रही है, जिनमें पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। आज से 4 दिन पूर्व आगरा से आगे केदारनाथ के पास गाय माता की गाड़ी भरी हो रही थी, उसमें भदौरा युम गांव के कार्यकर्ताओं द्वारा TI म्याना को सूचना दी गई और उमरी चौकी प्रभारी को भी सूचना दी गई, पर घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी, जिले के पदाधिकारियों ने विशेष शाखा वालों को बताया। तब कहीं रात में 2:30 बजे SDOP साहब पहुंचे। जिले में गाय की तस्करी नहीं होना चाहिए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। में गाय माता की गाड़ी भरकर रोज जा रही हैं, जिसमें पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। आज से 4 दिन पूर्व आगरा से आगे केदारनाथ के पास में गौ माता की गाड़ी भरी हो रही थी, उसमें भदौरा गांव के कार्यकर्ताओं द्वारा TI म्याना को सूचना दी गई, उमरी चौकी प्रभारी को भी सूचना दी गई, पर थाना प्रभारी म्याना व उमरी के चौकी प्रभारी भी में से कोई भी घटना स्थल पर नहीं पहुँचा। कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी, जिले के पदाधिकारियों ने विशेष शाखा वालों को बताया। तब कहीं रात में 2:30 बजे 2:30 बजे SDOP साहब पहुंचे। इससे प्रतीत होता है कि म्याना थाना पुलिस कहीं ना कहीं गाड़ी को निकलवाने के लिए नियत महसूस होती है। इसी तरह 2 दिन पूर्व गाय की भरी गाड़ी फतेहगढ़ से निकलकर 1:30 डेढ़ घंटे तक गाड़ी घूमती रही और कार्यकर्ता उसके पीछे लगे रहे, फिर भी पुलिस को सूचना देने पर पुलिस समय पर नहीं पहुँची। 1.5 घंटे बाद चारों तरफ से गांव के लोगों के सहयोग लेकर के गाड़ी को पकड़कर जागर चौकी पुलिस को सौंपी। इन सारी क्रियाओं से प्रतीत होता है कि स्थानीय थाना प्रभारियों का गौ माता गाड़ी पकड़ने में पुलिस का कोई सहयोग नहीं रहा। इसलिए श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला गुना, गाय की तस्करी बंद करने बाबत निवेदन है कि गुना जिले के में गाय माता की गाड़ी भरकर रोज जा रही हैं, जिसमें पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। आज से 4 दिन पूर्व आगरा से आगे केदारनाथ धाम के पास गौ माता की गाड़ी भरी हुई थी, उसमें भदौरा गांव के कार्यकर्ताओं द्वारा TI म्याना को सूचना दी गई और उमरी चौकी प्रभारी को भी सूचना दी गई, पर थाना प्रभारी म्याना व उमरी के चौकी प्रभारी में से कोई भी घटना स्थल पर नहीं पहुँचा। कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी, जिले के पदाधिकारियों ने विशेष शाखा वालों को बताया। तब कहीं रात में 2:30 बजे SDOP साहब पहुँचे। इससे प्रतीत होता है कि म्याना थाना पुलिस कहीं ना कहीं गाड़ी को निकलवाने के लिए नियत महसूस होती है। इसी तरह 2 दिन पूर्व गाय की भरी गाड़ी फतेहगढ़ से निकलकर 1:30 बजे तक गाड़ी घूमती रही और 1.5 घंटे गाड़ी घूमती रही, कार्यकर्ता उसके पीछे लगे रहे, फिर भी पुलिस को सूचना देने पर पुलिस समय पर नहीं पहुँची। 1.5 घंटे बाद चारों तरफ से गाँव के लोगों का सहयोग लेकर के गाड़ी को पकड़कर जागर चौकी पुलिस को सौंपी। इन सारी क्रियाओं से प्रतीत होता है कि स्थानीय थाना प्रभारियों का गौ माता गाड़ी पकड़ने में कोई पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। इसलिए महोदय को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, आगे इस तरह की कोई घटना ना हो। गुना जिले में गाय की तस्करी नहीं होना चाहिए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अतः विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गौ माता की हत्या करने के में लिप्त लोगों पर ठोस कार्रवाई करे व रासुका लगाए, और गौ माता की जो गाड़ी पकड़ी जाती है उस वाहन को राजसात की कार्रवाई करे। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बहुत बहुत आभारी रहेगा।